स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में, तो आइए समझते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग अगर इंटरनेट पर थोड़ा सा भी टाइम देंगे, वर्डप्रेस आज ना दाएँ या बाएँ से आपको सुनने को मिल ही जाए। खास करके जो लोग वेबसाइट वेब डेवलपमेंट ये सब में काम करते हैं, वर्डप्रेस बार बार आता है। तो ये है क्या, तो अब ये समझिए, जैसे जैसे इंटरनेट ग्रो होने लगा सबको समझ में आया कि सबको इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट में सबको अपना वेबसाइट चाहिए, चाहे वो दुकान हो चाहे वो बड़ा कॉरपोरेशन हो, सबको चाहिए। तो तुरंत समझ में आ गया कि इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है तो सीधे कंप्यूटर में नहीं चलता, वो माइक्रोसॉफ्ट में चलता है। वैसे ही करके मतलब लोगों को समझ में आ गया, कहने का आप वेबसाइट तो एक मतलब नोटपैड में भी बना सकते हो, स्क्रिप्ट आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चाहिए होगा जिसमें यह सब काम आसानी से हो सके, आसानी से चेक कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ा दुनिया को, और ये बहुत पहले की बात हो रही है, मतलब इंटरनेट अभी एकदम ताज़ा ताज़ा आया है, तो प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ा। तो वर्डप्रेस आया, और वर्डप्रेस मतलब समझिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट बना सकते थे, और ये 100% फ्री था। और इसमें मतलब इसको अगर टेक्निकल टर्म में आप कहना चाहेंगे तो ये कहा जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको नेटफ्लिक्स बनाना है, तो नेटफ्लिक्स का जो भी वीडियो फाइल्स है वो डायरेक्टली आप मतलब कस्टमर को नहीं भेजते हैं, वो एक वेब एंड में जाएगा। वेब एंड में जाके उसको मतलब आप थंबनेल रखोगे, उसका जो डेटा पॉइंट्स है वो सब डेटा पॉइंट आप रख दोगे, और जब भी एक्टिवेट करेगा कोई उसको तब वो डेटा स्ट्रीम होने लगता है। तो ये सब हो गया मैनेजमेंट, यानी कि फाइल को मतलब आपके सर्वर से यानी डेटा बैंक से उठा के क्लाइंट के पास पहुंचाना, ये काम हो जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें आप देख सकते हैं खूब सारे ऑप्शन, चाहे टैबलेट हो चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, सब जगह वेबसाइट होता है, सबके लिए अलग अलग से थोड़ा सा कोडिंग करनी पड़ती है। तो यही काम वर्डप्रेस करता है, आपको एक ऐसा जगह ला के रख देता है जहां पे आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो ये समझिए है ये थोड़ा पुराना ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी, May 27, 2003 से, तो यानी ये काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस लेके चल रहा है, और ये फ्री और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि इनका औजार का इस्तेमाल करके कोई कुछ और बना सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये औजार तभी तक फायदेमंद रहता है, स्टैंडर्ड तभी तक यूजफुल रहता है जब उसको सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओपन और फ्री सोर्स ये दोनों रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको लिखा गया था PHP में, तो अगर आप इसको एकदम अच्छे से डीप लेवल तक जाके कुछ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको PHP आना चाहिए, और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसमें MySQL और MarineDB जनरली इस्तेमाल होता है। और इनका आर्किटेक्चर ऐसा था कि ये जब मैं बोल रहा हूँ फ्रंट एंड है जिसमें आप क्रिएट कीजिएगा, तो बिना कोड का एक भी लाइन छुए आप वेबसाइट बना सकते हैं, ये बात एकदम 100% सही है। लेकिन अगर आपको कुछ भी बनाना है जो मतलब पहले से मौजूद नहीं है, तो लोग सबसे पहला काम करते हैं कि टेम्पलेट्स को खोजते हैं, प्लगइन्स को खोजते हैं। हिसाब यह है कि जब इसीलिए बोला था कि ओपन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को समझ में आए कि इसमें इंटीग्रेट कैसे करें, तो हर कोई अलग अलग बनाए। जैसे कि अभी आप चाहें पेट्रियन का क्लोन चाहते हैं लिख के दे सकता हूँ, कोई ना कोई किसी ने प्लगइन बना के रख दिया होगा कि अगर आपको पेट्रियन खोला है तो ये कर दीजिए। हाँ, वो सब चार्ज्ड होता है क्योंकि उसमें मतलब ऑब्वियस किसी की वो अगर पेमेंट गेटवे का मेहनत करना पड़ रहा है तो पेमेंट गेटवे का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा स्टेप करके ये रहता है कि आपको प्लगइन्स मिलेंगे जिसके लिए कई सारे प्लगइन्स फ्री होते हैं, कई सारे टेम्पलेट्स फ्री होते हैं, लेकिन कई सारे पेड होते हैं जिसमें कि बहुत एडवांस फीचर अगर होगा तो उसमें जनरली एक टीम एनालिस्ट की रहेगी, एक्टिव रहेगी, कोडर्स बैठे रहेंगे, तो उनके लिए पेमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके ये आइडिया ही बनाया कि इन्होंने ओपन सोर्स बनाया, और इसमें लोग अपना जोड़ते गए, उसमें आपको प्लगइन मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और ये बनाया गया था मैट और माइक का मतलब दोनों की जोड़ी ने बनाया इसको, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो वर्किंग यही है कि PHP अगर आप अच्छे से समझ लेते तो आप इसकी गहराई में उतर सकते हैं, डेटाबेस इसका समझना है तो MSQL और MarineDB में पकड़ लीजिए, और अगर आपको ये सब नहीं छूना है कि मेरे को बिना कोडिंग के बनाना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप गहराई में नहीं उतर पाएंगे और आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि कितना प्लगइन है या कितने टेम्पलेट्स हैं। तो अब इसका लॉजिक को समझते हैं कि ये लॉजिक क्या है, किस बेसिस पे चल रहा है। इनका लॉजिक यही था कि वेबसाइट सबको बनाना है, छोटा से छोटा दुकान बनाना चाहता है। अब चलिए बड़ा कॉरपोरेशन है वो तो 4-5 कोडर को हायर कर सकते हैं, फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं, एक छोटा दुकान वाला क्या करेगा, वो तो लटक जाएगा। तो इसी कारण से इसको ऐसा बनाया गया था कि आम आदमी आराम से इसको बना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बस बैठो और बनाओ, हुआ नहीं झिंगा लाला नहीं, मतलब आपको टेक्स्ट डालना है टेक्स्ट डाल। और ये 2003 की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे ही सबसे ब्लॉग्स बनते थे, तो वर्डप्रेस उसी टाइम में हिसाब से बनाया गया था। तो इसका फ्रंट एंड जो है बार बार पॉलिश किया जाता है, तो आपको तो आजकल मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही शुरू कीजिएगा, आपको सीधे टेम्पलेट में जाए, आपको क्या बनाना है फॉरम बनाना है, चलो फॉरम क्लिक कर दो। तो जैसे आप देखते होंगे लाइनस टेक टिप्स का जो फॉरम है, मतलब इसी टाइप का अगर आप बनाना चाहते हैं फॉरम जो पूरा रहे बम रहे, आप इसमें बना सकते हैं। आपको रेडिट जैसा कुछ बनाना है बना सकते हैं। तो ये समझिए कि फ्री और ईजी टू यूज़ कर देने से इसका काफ़ी चहल पहल
में बढ़ गया। और इसमें लोग, चूंकि ये ओपन सोर्स था, लोग इसमें बहुत चीज जोड़े और इसमें प्लगइन्स को भी करने, और चूंकि प्लगइन से प्रॉफिट निकाला जा सकता था तो लोग इसको मतलब और सपोर्ट करने लगे, भैया ये प्लगइन को हम बेचते हैं और ये तभी ना बिकेगा जब इस जहां पे ये प्लगइन लगता है वो बिक रहा हो। तो ऐसे करके ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा हो गया कि जाता है एडऑन्स आए, उस एडऑन्स को चलाने के लिए सब लोग वर्डप्रेस में आ गए, वर्डप्रेस में और ग्रोथ किया, इसका देखा देखी कुछ और लोग आ गए और डेवलपर्स आ गए, ऐसे धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। और ये समझिए कि ये टाइम टेस्टेड है, आप ये नहीं बोल सकते ये काम नहीं कर पाएगा या ये कुछ बना नहीं पाएगा। अगर इसमें आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ी आपके साइड पे है, कभी भी ये ऐसा नहीं हो कि ये औजार के चलते आपको दिक्कत हो रहा है। और ये समझिए अगर टॉप 1 मिलियन साइट्स को लिया जाए जो कि मतलब गूगल के रैंकिंग्स में आते हैं, उसमें 33% मार्केट शेयर ये अकेले पकड़ के बैठा हुआ है, 33%, बाकी दूसरा कोई इसके आधा पास भी नहीं आता। तो यही इसका लॉजिक है, इसीलिए लोग इसके पीछे इतना पड़े रहते हैं। आपको अब कभी सुनने को मिलता होगा कि जो बैक एंड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो बैक एंड समझना बच्चों को खेलने की चीज़ नहीं, अच्छे अच्छे लोग की बैंड बच जाती है उसको समझने में। और मान लीजिए आपको स्टार्ट करना है, शुरू करना है, और अगर उस टाइम नहीं है कि मतलब मैं किसी को हायर करूँ, पूरी कंपनी को रजिस्टर करूँ, ये सब करूँ, तो यहीं से गाड़ी खोली जाएगी। तो ऐसे करके ये काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है। अब बात करते हैं इसको होस्ट कैसे करते हैं। देखिए वेबसाइट बनाना एक तौर से आसान काम है, मतलब वेबसाइट बनाने में आपको फ्रंट एंड में मेहनत लगता है, मतलब आप बनाने वाले हो उस टाइम कोडर्स को रखो, मेंटेनेंस करो, ढंग से बनाओ, वो सब में खूब मेहनत लगती है। लेकिन होस्टिंग एक अलग समस्या हो जाती है, क्योंकि होस्टिंग जो है उसके लिए आपको कोई जगह चाहिए जहाँ पे आप ये होस्ट करें, सर्वर में, कि आप अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सकते हैं। हाँ भी नहीं भी, हाँ इसलिए कर सकते हैं कि टेक्निकली आप उसको रख सकते हैं, प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें बहुत सारे समस्या आएंगे। और तो इस समस्या को सुलझाने के लिए मतलब सुलझाने के लिए मतलब ये शुरुआती दिन से ही इसको फिक्स रखा गया है कि इस टूल में, यानी कि जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, इसको डेवलपमेंट के लिए आप किसी भी ब्राउजर में कर सकते हैं, आपको अपने कंप्यूटर में कुछ भी इंस्टॉल किए बिना आप काम कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो होस्टिंग के लिए इन्होंने एक तो फ्री सिस्टम दे दिया जो आपको फ्री में मिल जाएगा, भी अगर आप चाहते हैं वर्डप्रेस में जाके कोई साइट बनाना आप बना सकते हैं फ्री में, लेकिन आपको उस पर डोमेन नेम नहीं मिलेगा, प्लस उसमें आप ऐड नहीं चला सकते, और प्लस उसमें बहुत सारा लिमिटेशन है, बहुत सारा क्लॉज है जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। लेकिन दूसरा बात समझिए, जो कि ये एज ए औजार है तो इसमें .org का जो में अगर आप जाते हैं तो वहां पर जो आपको कोड मिले वहां पर अपना लगाइए, उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके आप अमेजॉन वेब सर्विस में डाल सकते हैं, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में डाल सकते हैं, इसको गूगल स्टोरेज में डाल सकते हैं, आपको जहां डालना है डालिए। आप लोग देखते होंगे अमेजॉन वेब सर्विस में दिखाते हैं सर्वर है तो सर्वर सीधे दिखाता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आप क्या करेंगे, कंप्यूटर में आप यहीं से कोड उठाएंगे और कंप्यूटर में डाल देंगे, वो चलने लगेगा। और घर से आपको मतलब ये बनाना कि घर में मैं सर्व करता हूँ, मतलब कॉलेज में लोग करते हैं कि कॉलेज में मान लीजिए किसी ने अपना कंप्यूटर सिखाने के लिए किया जाता है कि एक कंप्यूटर को रख देता है डेडिकेटेड, वो सर्वर के तौर पर बिहेव करता है। समस्या ये है कि इंटरनेट से जोड़ देने से वो इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं हो जाएगा, इंटरनेट से एक्सेसिबल होने के लिए डोमेन नेम रजिस्ट्रार में खरीदना पड़ता है, वो पैसा बहुत देना पड़ता है। प्लस अगर आप वैसा कर भी लेते, चलो आप डोमेन नेम करें, आपको ये देखना होगा पाइप जो आ रहा है, यानी कि इंटरनेट आपके पास जहाँ से आ रहा है वो पाइप फिक्स्ड हो, पाइप बार बार चेंज ना हो, नहीं तो डोमेन नेम रजिस्ट्रार खो जाएगा कि भैया कहाँ से खोजूँ, मतलब ठीक है मेरे पास एड्रेस है, वो एड्रेस ही बार बार बदल रहा है। तो इसीलिए जनरली जो इंटरप्राइज ग्रेड इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं या सर्वर्स के लिए जो कनेक्शन है उसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रखना ज़रूरी होता है। तो ये सब करने में आपको जितना खर्च होगा कि घुमा फिरा के आ जाइएगा कि भैया ये हम सर्वर को फ्री ऑनलाइन होस्टिंग कर लेना ही ज़्यादा बेटर है। और दूसरा ये समस्या होता है कि अगर आप इंटरनेट पर डायरेक्ट पाइप दे देते हैं तो वो जितना वायरस वायरस है सब घुस गया फ्री फंड में, क्योंकि वायरस स्पैमिंग करते हैं, आपको मतलब कितना परत का सिक्योरिटी चाहिए हो जहाँ पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकें कोई हमको नहीं उड़ाएगा, वो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए घर से कोई वेब होस्टिंग नहीं करता है, आप कर सकते हैं टेक्निकली कर सकते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही देर चल पाएगा, और प्लस आपको डायरेक्ट किसी को एड्रेस भेजना, लिंक भेजना लगभग नामुमकिन हो, क्योंकि डोमेन नेम रजिस्ट्रार उसको ठीक से स्टेबल नहीं रख पाएगा। तो होस्टिंग के लिए जनरली वर्डप्रेस में लोग साइट बनाते हैं, टेस्टिंग के लिए आप अपने लोकल नेटवर्क में टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए आपको घुमा फिरा के कोई वेब प्रोवाइडर से ही लेना पड़ेगा, जनरली लोग अमेजोन लेते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ले सकते हैं या गूगल ले सकते हैं, तो और बहुत सारे और भी, IBM भी बनाता है, रेड हैट भी बनाता है, तो वो सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होस्टिंग फाइनल स्टेज होता है, जब आपने पूरा साइट बना लिया, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद आप इसे होस्ट करेंगे। गाड़ी खोलने के लिए आप फ्री का स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वर्डप्रेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वर्ड जो आपको हर जगह हर समय सुनने को मिलता है इसके बारे में आप थोड़ा समझ में आ गया हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।